है लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत। खाद्य विभाग के अधिकारी बीएस कुशवा ने दुकानों पर जाकर की जांच। कोई एमआरपी से ऊपर अधिक भंडार और कालाबाजारी तो नहीं कर रहा। कोटला रोड, जलेसर रोड आदि जगहों पर जांच की गई और कोरोना के चलते लॉकडाउन 21 दिन का कर दिया गया है। लगातार शिकायतें आ रही थी कि खाने पीने की चीजों पर दुकानदार कालाबाजारी कर रहे हैं, दुगने दामों पर खाने पीने की वस्तुएं बेच रहे हैं, जिससे लोगों में काफी आक्रोश था। इसी को लेकर आज कई जगह खाद्य विभाग की टीम ने छापामार कार्यवाही की और देखा कि कहीं कोई कालाबाजारी तो नहीं कर रहा। गली मोहल्लों की दुकानों पर अभी भी खाने पीने की चीजों पर कम से ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। अब देखना होगा इस छापामार कार्यवाही से कितना असर पड़ता है। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। सरसों का तेल या समान अनुपात में है ना, मिला के बोतल भर के रख लो, ठीक है। और वो भी काफी मिलता है कम दो, और दूसरा कस्टमर आ रहे हैं तो उनसे थोड़ा दूरी बना के रखो, उनसे कहो थोड़ा दूर दूर खड़े हो, ठीक है, क्योंकि ये कोरोना वायरस को हराना है। हराने के लिए आप संघर्ष का जिलाधिकारी महोदय का स्पष्ट निर्देश है कि जमाखोरी मुनाफाखोरी नहीं होना चाहिए। समय से जो दुकान खोलो अपना डेली चलना है तो और ग्राहकों से दूरी बना के रखो। इस तरीके से आज पहला दिन है बंदी के बाद और कालाबाजारी चरम पर है। पब्लिक परेशान है, जनता परेशान है। बजरिया में भी बहुत भीड़ लगी हुई है। दुकानदार धक्का मार के ग्राहकों को बाहर निकाल देते हैं। ऊन के दून दामों पर सामान बेचा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर? जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर मैं अपनी खास सुरक्षा औषध प्रशासन विभाग की तरफ से बीएस कुशवाहा चीफ फूड सेफ्टी अफसर लगातार निगरानी कर रहा हूं कि कौन सा गोदाम बंद है। सबको जागरूक किया जा रहा है। सब्जी वालों को कहा जा रहा है कि अपना रेट लिस्ट इसमें लगाए ताकि मनमाने रेट पर उसको ना बेच सकें। उनको निर्देशित कर दिया गया है कि टमाटर, प्याज, आलू जो 20-30 रुपए किलो बिक रहा है उसका रेट लिस्ट लगाएं। और मैंने मार्केट में निरीक्षण किया तो पाया कि जो आटे की दुकानें हैं वो बंद हो गई हैं। दुकानों से आटा गायब दिख रहा है, या तो उसकी जमाखोरी हो रही है मुनाफाखोरी के लिए। और हमारे जिलाधिकारी महोदय का सख्त निर्देश है कि मुनाफाखोरी जमाखोरी बर्दाश्त नहीं होगी। अगर कोई इस तरह से जमाखोरी करता है और पता चलता है गोदाम को, तो गोदाम खुलवा करके उसका सामान जब्त करके नीलाम कर दिया जाएगा। मुनाफाखोरी कोई नहीं कर पाएगा। इस समय 22 रुपए किलो आटा दो दिन पहले था, लेकिन इस समय 32 रुपए किलो धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। प्रशासन प्रयासरत है कि उचित रेट पर लोगों को सामान मुहैया हो सके। बस आप लोगों से निवेदन है कि आपस में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और लोगों से दूर रहें, और जो समय दिया गया है सामान खरीदने के लिए सामान खरीद लें। घबराए नहीं, धीरे धीरे आए, वो जल्दी नहीं है। और सबसे वाला सैनिटाइजर बना लें। अगर सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है दुकानों पर तो उसके लिए कुछ नहीं, सीधा सिंपल है कि एल्कोहल ले। एल्कोहल में तो शराब जी, ठीक है ना, उसमें एलोवेरा जूस मिलाएं, जो आता है पतंजलि का किसी का आता है ना, उसमें एडिबल ऑयल मिला लें, तेल, तीनों चीजों को मिला करके बढ़ा लें। तो दुकानदार अपने ग्राहक जो भी आते हैं तो उनका पहले सैनिटाइज करें हाथों को, ठीक है। दुकानदार को कह दिया है कि अपना स्टॉक डिस्क्लोज करें, रेट लिस्ट लगाएं, ताकि मुनाफाखोरी नहीं हो रही हो साबित कर सके।